हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक जगन्नाथ टेंपल का एक प्रसाद बनाएंगे जिसको बोलते हैं खाजा या फेनी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे पूरा हेल्दी वाला बनाया है। यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया है। हर कोई इसी को मैदा से बनाता है, पर हम इसको आटे से बनाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ ऑयल लिए हैं। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको हल्के हाथों से मसल लेना है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, इस तरह से मुट्ठा बनना चाहिए। अभी हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से, जैसे डो बनाते हैं उस तरह से इसको डो बना लेंगे। अभी हमारा ये डो बन के रेडी है। अभी इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये अभी 10 मिनट्स के बाद उसको और थोड़ा देर के लिए मसल लेंगे। अभी हम फ्लोर में थोड़ा आटा डस्ट करेंगे एंड उसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। पूरा पतला बेलेंगे और उसको अच्छे से बड़ा सा उसको बेल लेंगे। जब तक ये पतला नहीं होता तब तक इसको बेलते रहना है। देखिए, अभी इसको इस तरह से नीचे से हम फोल्ड करेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे इसको अच्छे से रोल करेंगे। हर कोई यहाँ पे ऑयल या घी यूज़ करता है, पर हम यहाँ पे बस आटा डस्ट किए हैं। हम ज़्यादा ऑयल को अवॉइड कर रहे हैं, पर ये थोड़ा हेल्दी बनेगा उससे। और लास्ट एंड में हम बस वहाँ पे ऑयल थोड़ा ग्रीस करेंगे, जैसे वो क्लोज़ हो जाए अच्छे से उसका एंड। देखिए, बिल्कुल अच्छे से उसका क्लोज़ हो गया है। अभी ऊपर थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे एंड उसको थोड़ा हाथ से प्रेस कर लेंगे। अभी इसको कट लगा लेंगे। मैंने बस यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास मैंने डिस्टेंस रख के यहाँ पे कट लगाया है। आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी इसको बस बीच से थोड़ा प्रेस करना है एंड इसको हल्के हाथों से जस्ट थोड़ा सा इसको रोल करना है। देखिए कितने अच्छे से उसके अंदर लेयर्स दिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से सारे के सारे बेल लेंगे। यहाँ पे हमने सारे खाजा बेल लिए हैं। अभी एक पैन में ऑयल गरम करेंगे एंड इस पर मतलब ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। उसको उसी टाइम में हम उस पर खाजा ऐड कर लेंगे एंड इसको धीरे धीरे इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। जैसे पक जाएगा और ऊपर आने लगेगा, और उसके बाद इसको पूरा डीप फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन कलर नहीं हो जाता है।
इसी टाइम में हमें खाजा को निकाल लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गया है अंदर से भी। बिल्कुल इसी तरह से सारे के सारे फ्राई कर लेंगे। अभी हम शुगर सिरप बना लेंगे। मैंने एक पैन में 2 बाउल हमने वहाँ पे शुगर ऐड किया है और उस पर 1/2 बाउल मैंने वहाँ पे वाटर यूज़ किया है। इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। बस बीच बीच पे इसको चलाते रहना है। कैडमम पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा ये शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है तो अभी ये क्रिस्टलाइज जल्दी नहीं होगा। तो अभी हम सारे के सारे खाजा को इस पर ऐड करेंगे। जस्ट इसको अच्छे से डिप करके इसको निकाल लेंगे। अभी हमारा ये खाजा रेडी हो गया है। ये देखने में भी जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी उतना हेल्दी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। Thank you for watching.